स्वरूपनगर इलाके में की गली नंबर 14 में रहने वाली रिया देवी नाम की महिला पर उनके पड़ोसी ने आपसी कहा सुनी में महिला के ऊपर ही छोड़ा पिटबुल डॉग। फुटबॉल डॉग ने रिया देवी नाम की महिला को कई जगह से काट कर किया गंभीर रूप से घायल। दरअसल महिला का आरोप है कि पिटबुल डॉग का मालिक हर रोज उनके दरवाजे पर फुटबॉल से श्रौच करवाता है और गली में गंदगी फैलता है। बीते शुक्रवार की सुबह रिया देवी के घर के आगे पिटबुल डॉग को रिया देवी ने अपने सीसीटीवी कैमरे में श्रौच करवाते हुए देखा तो इस बात का महिला ने विरोध किया और अपने पड़ोसी पिटबुल के मालिक को घर के आगे श्रौच न करने के लिए कहा। डॉट लेकिन फुटबॉल के मालिक को ये बात ना गवार गुजरी और महिला के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पड़ोसी ने महिला को डराने के लिए पिटबुल डॉग को महिला ले ऊपर ही छोड़ दिया। पीड़ित महिला रिया देवी के शरीर पर पिटबुल डॉग ने हाथ पैर समेत 5 जगहों पर काटकर महिला को घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने महिला को पिटबुल डॉग से छुड़ाया। ये तमाम वारदात सीसीटीवी फुटेज कैमरा में भी कैद हो गई। कुत्ता उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर उनके लड़का आया अंदर से निकल के, ये वो बोले कि ये क्या कह रही है, फिर मेरे को इतनी तेज से ये कंधा पकड़ के छाती को हाथ करके धक्का बहुत तेज से दे दिया, फिर मैं सीधे ऐसे गिर गई बिल्कुल पीछे की तरफ, फिर उनका कुत्ता भी मेरे ऊपर चढ़ गया, कुत्ता पूरा नोचने लगा मुझे, हाँ पूरा 4-5 जगह काट लिया, फिर उनके लड़के ने मेरे को मारा भी, मुक्का भी मारा, उसके बाद गर्दन को पेट को भी नोचा है मारा है, बड़े पूरी तरह से मेरे को घायल, ये इनके पिटबुल है, हाँ इन्होंने मतलब बिल्कुल छोड़ दिया, लोग बचा भी रहे थे कुत्ते को हटा रहे हैं, लेकिन ये जो है कुत्ता बिल्कुल वापस फिर छोड़ दे रहे थे, इनको काट के कर रहे थे, इनको काटने तो जान से मरवा देने कुत्ते से कटवा, इनका बड़ा वाला लड़का बोले, हाँ ये बांध के नहीं रखते बिल्कुल, ये बिल्कुल इनका फुटबॉल खुला रहता है, अभी तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं नीचे नहीं जा रही डर के मारे कि फिर कोई निकल के बाहर ना आ जाए, अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई गली के बच्चे कोई डर के मारे नहीं, सब अपने अपने बच्चे को घर में रखे हैं, कोई नहीं भेजे, शिकायत मैंने करा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई होगी, एक लड़की ने मेरे को मारा भी, उनकी जो छोटी वाली लड़की है बाल खींच के मार भी रही है, पत्थर भी उठा के मारा उन्होंने मेरे को। राजेश कुमार, कल सुबह करीब 9 बजे के आसपास मेरे वाइफ के गई थी उनके घर के सामने घूमने के लिए, हमारा कुत्ता मेरे सामने घर के गेट के सामने लैट्रिन कर दिया है, तो उसकी बेटी आकर के वो खाने की गलती करेगी, मेरा कुत्ता लैट्रिन करेगा, तुम क्या करोगे, तुम्हारी गली थोड़े है, गली मेरी, अगर हम लोग जैसे रहेंगे तुम हमको समझाओगे कहाँ लैट्रिन कराना है कहाँ नहीं कराना है, इस बातचीत होने में उनका लड़का आया, उसके बाद लड़का बोला तुम्हारा हिम्मत कैसे होगा कि मेरे घर के सामने आ गई, मेरे वाइफ को धक्का दे दिया, उसके बाद मेरी वाइफ टूट गई, उसके बाद मैं बाल पकड़ कर हमारा पेट पर भी बाल पेट में, उसके बाद कुत्ते को छोड़ दिया कि जान से मार दो, कुत्ते को 5-6 जगह कुत्ते ने उनके ऊपर हमला करके काटा है, रोका रहा था कि छोड़ दो, बार बार रोका रहा था कि छोड़ दो, कुत्ते को इसको काट मार देगा, इसको ये पिटबुल नस्ल का कुत्ता है और ये लोग 4-5 महीने से मेरे गली में आए हुए हैं, बहुत गंदे लोग हैं, हमारे जो नाली का पानी निकलता है मेरे सामने उसके ऊपर पत्थर ईंट सब रख कर नाली को बंद कर देते हैं, इसके लिए भी बोलने पर लड़ाई झगड़ा करना पड़े, ये लोग उनकी लड़की जो दो है वो तो दोनों लड़की इतनी बदतमीजी सी बात करती है कि अब तक मेरे 45 साल के उम्र में अभी तक इतना गंदा लड़की को मैंने देखा।